कैसे एक्टिन कैन ने मिलिट्री शिप तबाह कर दी। ये बात है 1942 की, जब लीगर्ड सिटी ऑफ लीबिया में साउथ अफ्रीका और इसके तहदी जर्मन को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब ना हुए। जॉब मेसिको नामी एक सोल्जर अपने जख्मी साथियों को उठा रहा था। सरेंडर की वजह से जर्मन ने 30,000 सोल्जर को कैद कर लिया। व्हाइट सोल्जर को यूरोप भेज दिया गया और अफ्रीका से वही गुलामों की तरह काम लिया जाने लगा। मेसिको अपने साथियों के साथ वहां से फरार होकर बुलेट्स इकट्ठी करने लगा। कई रातों की मेहनत के बाद वो एक्टिन कैन में बॉम्ब बनाने में कामयाब हो गया। एक दिन जब वो शिप से वेपन उतार रहे थे, उसने अपने के साथ मिलकर उस शिप में वो टिन कैन वाला बॉम्ब लगा दिया। जर्मन के लिए एक मिस्ट्री बन गई कि आखिर ये हुआ कैसे, और उनका मार्च स्लो हो गया। मेक्सिको ने अपने साथियों के साथ वहां से फरार होकर दोबारा आर्मी ज्वाइन कर ली।